युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। हिडन करके रखो अपने आपको, हिडन, पागल बनकर रखो, पागल, उल्टा करके अखबार पढ़ो। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल, किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग कहाँ जाते हो? वो एक लड़की आती है इसलिए जा रहे। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले 10th रैंक आई है इसमें, नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो सिरिडिक टेंपल में जाते थे तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ गया हमको सपने में। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हें लोग गाली देते हैं उस पर तो तुम अटेंशन देते हो, तुम्हें लोग जब एंटरटेन करते हैं तुम उस पर भी अटेंशन देते हो। जब तुम तैयारी करने लगे, खूब सीरियसली आईएएस की तैयारी करने लगे, तुम्हें मजा आने लगा पढ़ाई में खूब, पड़ोस के लड़के को नहीं आ रहा है, अरे यार ये तो भर में बहुत पढ़ रहा है, बोले पा तब, बोले बताते रुको, बोले वर्मा, बोले हाँ, गोवा चलोगे? वर्मा ने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं, पापा 6,000 रुपया भेजते हैं, 2,000 कमरे चला जाता, पैसा ही नहीं बचता, हम दे रहे ना, अब दोस्ती में पैसा लाओगे? अब वर्मा के दिमाग में आया कि एक हफ्ता गोवा में हराम खोरी मजा लिया जाएगा। अब वर्मा जी चलेगा गोवा, ये सोच के गए कि मेरा पैसा थोड़ी लग रहा है, बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है कभी कभी। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले नहीं पढ़ने मन कर रहा है 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ। अपना टाइम किसी को मत दो, अपना दिमाग किसी को मत दो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। इनका मेन वजह यही था। पहला बैटल ऑफ पानीपत क्या है? इब्राहिम लोधी हाथी बैठा हुआ है। जब सब बजाज सुपर पे बैठे हैं, स्प्लेंडर पे बैठे, तू भी बैठ। अब जो आदमी बैटलफील्ड में हाथी पे बैठा उस पर निशाना लगाना कितना आसान है। 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हिमू हाथी बैठा हुआ है। इन विदेशियों को, भारतीयों को हराने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। राजतंत्र में और चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। यह हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन, पागल बनकर रहो, पागल, उल्टा करके अखबार पढ़ो।
कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं आज की तैयारी, देने दो गाली, देने दो। वो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहली पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए कि भैया ये खुशी के आंसू है, अब पता है। और तब तुम अपना हिसाब करना, तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती है। सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा एक अलग चीज है, इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, टीएम बंगला। दस एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है वो। टोल टैक्स नहीं देता, एयरपोर्ट पे जाओगे ना जो फॉरेन कंट्री, तुमको लाइन में नहीं खड़ा होना है कि भैया दुबई जा रहे दत्त, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी की अलग लाइन होगी, अलग लाइन ही नहीं होती। एयर होस्टेस आएगी कि सर प्लीज, तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, जो तुम पाने जा रहे हो ना उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो, हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है, मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना।